हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्नेस्ट फिजिशियन चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूमेटिक फीवर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि रूमेटिक फीवर होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ एन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ऑटो इम्यून समझ रहे, जो इम्यून की खुद की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी यानी कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, सूजन हो जा रही है, ठीक है। ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अकरिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट हो जाए, ठीक है, ये ज़्यादातर मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। अगर बच्चों को स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद अगर उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई और तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, इसी को हम रूमेटिक फीवर कह रहे होते हैं, ठीक है। मेन जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया मेनली मतलब इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से ही ज़्यादा रूमेटिक फीवर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आफ्टर 1 to 5 weeks ऑफ स्ट्रेप इन्फेक्शन इट कॉजेज इन्फ्लेमेटरी लीजन्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 1 to 5 हफ्ते के बाद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आपको हुआ, स्ट्रेप थ्रोट हुआ, ठीक है, उसके 1 to 5 हफ्ते के बाद अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में हार्ट में, जॉइंट्स में, ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। तो ये एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक तरीके से, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी, पता भी तो होना चाहिए हमें कि भाई कहाँ या और किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ताकि हम वहाँ उसे प्रिवेंट कर सकें। मेनली जो है ना, ये हमने जैसे बताया बच्चों की डिजीज़ है, तो 5 to 15 साल के बच्चों में पीक इंसिडेंस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। फिर जो दूसरा ये चीज़ है कि ज़्यादातर लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले लोगों में देखने को मिलता है हमें, जहाँ प्रॉपर हाइजीन नहीं होती है, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और एटियोलॉजी हमने आगे सबसे पहले ही बता दिया कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन और प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिजीज़ अपनी बॉडी में डेवलप हो सकती है, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, ठीक है। बॉडी की जो इम्यून मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम हो जाए और बॉडी अपने सेल्फ को नॉन सेल्फ समझने लगे, ठीक है, सेल्फ की सेल्स को किल करने लगे, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है। और ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, ये हमने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ लिया, ठीक है। मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेप बैक्टीरिया की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ डेवलप क्यों हो रही है, मतलब किस तरीके से डेवलप हो रही है, क्या पैथोजेनेसिस है इसका, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस की बात करें हम, तो जैसे ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ हमें, ठीक है, सोर थ्रोट, स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ फेरेंजियल, उसके वजह से क्या होता है, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं अपनी ह्यूमन टिश्यू से, क्यों, क्योंकि जो अपनी एंटीजेनिक सिमिलैरिटी होती है स्ट्रेप कंपोनेंट में और ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि आप ये समझ लो कि जिस तरीके से ये स्ट्रेप कंपोनेंट होता है, यानी ये विलेन जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से हमारा हीरो भी है। तो अपना जो पुलिस होता है वो समझ नहीं पाता है कि विलेन को मारे कि हीरो को मारे, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो हीरो को मारने लगता है, यानी कि अपनी बॉडी टिश्यू को मारने लगता है, ठीक है, ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू को मारने लगता है। तो इसे हम मॉलिकुलर मेमिक्री कहते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है, क्यों, क्योंकि अभी हमने बता दिया, क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर समझ नहीं पाया कि उसे विलेन को मारना था कि हीरो को, और वो अपनी ही हीरो को मारने लगा, यानी ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करने लगा। तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हमने बोला था, कनेक्टिव टिश्यू किस में, हार्ट में, जॉइंट्स में, ब्रेन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और फाइनली रूमेटिक फीवर डेवलप हो जाता है, ओके। एज सच हमें पैथोजेनेसिस पता चल गई, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी में पैथोलॉजी क्या प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बोला कि जिन जिन कनेक्टिव टिश्यू पर एक्ट कर रहा है तो वहाँ ये पैथोलॉजी प्रोड्यूस करेगी, वो पढ़ेंगे। हार्ट में जैसे बात करते हैं पैनकार्डाइट टेस्ट, यानी कि हार्ट की तीनों लेयर्स का इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी ये डिजीज़ ही इस चीज़ की है कि ये बस इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है मेनली हर जगह पे, तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो यहाँ पे अपनी जो हार्ट की लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उन सारी लेयर्स को ये क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मायोकार्डियम में, तो मायोकार्डियम में ये क्या करता है, एस्ट्रॉप्स बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एस्ट्रॉप्स बॉडी क्या होती है, ये स्मॉल ग्रैनुलोमा होती है जिनमें सेंट्रल जोन ऑफ फिब्रोनाइट डिजेनरेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। मान लेते हैं ये सेल्स है, ठीक है, और इनके अंदर ये देख रहे हैं आप फिब्रिन डिजेनरेशन हो रहा है, ठीक है, फिब्रिन का डिपॉजिशन और डिजेनरेशन हो रहा है, साथ साथ में यहाँ पे इसको पेरिफेरी पे सराउंडिंग अपने लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, जितने भी अपने सेल्स हैं
जो अपने इम्यूनिटी में इम्यून सेल्स होते हैं वो सारे आकर के इसके आइट साइड सराउंडेड हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से पूरा कि पूरा ये है, ये मतलब ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो गया और इस पर्टिकुलर इस ग्रैन्युलोमा के फॉर्मेशन को एक नाम दिया गया जिसे एस्चॉव बॉडी बोल देते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी में। लेटर ये क्या होता है, एस्चॉव बॉडी जो होते हैं ये क्योंकि हीलिंग प्रोसेस ऑब्वियसली होनी है तो ये क्या करेंगे, एक स्पिंडल स्कार के फॉर्मेशन में बन जाता है, ठीक है। स्पिंडल इज़ लाइक दिस, ठीक है, स्पिंडल स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। एंड देन उसके बाद अब हम बात करते हैं एंडोकार्डियम में। तो एंडोकार्डियम में क्या होगा, इसमें भी एंडोकार्डाइटिस हो रहा, तो इसमें क्या होता है, वैल्स में जो अपने वैल्स होते हैं ना, यानी कि मान लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल है और ऊपर ये लेफ्ट एट्रिया है, तो इन दोनों के बीच का जो वैल्व है, ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व होता है, मिट्रल वैल्व होता है, तो इन वैल्व्स में क्या करता है, वेजिटेशंस प्रोड्यूस कर देता है, वैल्व की पैथोलॉजी प्रोड्यूस करता है। वेजिटेशंस मतलब वॉटी ग्रोथ समझ लो, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रोथ टाइप प्रोड्यूस कर देता है जिसके वजह से वैल्व्स का जो कंपाइलेंस होता है, यानी कि वैल्व्स का जो सर्कमफ्रेंस एरिया होता है वो छोटा हो जाता है, स्टेनोस हो जाता है, ठीक है, पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो गई। तो लेटर क्या, वैल्व्स भी तो उसमें वो हीलिंग होनी है, तो हीलिंग की वजह से क्या होगा, फाइब्रस थिक हो जाए, फाइब्रस और थिक हो जाएंगे वैल्व्स, जिसकी वजह से जो वैल्व्स है वो अटैच मतलब एडहेशन हो जाएंगे, चिपकने लगेंगे, ठीक है। वैल्व्स का प्रॉपर ना ओपनिंग होगा ना प्रॉपर वैल्व्स क्लोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेनोसिस और रीगेजिटेशन ऑफ वैल्व देखने को मिलेगा हमें। कॉमनली सबसे ज़्यादा कौन से वैल्व इन्वॉल्व होते हैं, मिट्रल वैल्व, देन ओटी, देन ट्राइकस पल्मोनरी, बहुत रेयर, ठीक है। देन लास्ट कम्स हार्ट में पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, जो हार्ट की जो दोनों लेयर्स हैं, ठीक है, विस्टुला और पैराइटल, इसके बीच में फ्लूड्स का इफ्यूजन हो जाएगा, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हार्ट में मेनली क्योंकि इसमें ज़्यादातर हार्ट की पैथोलॉजी हम देख रहे हैं, तो इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, पैनकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डियम में एस्चॉव बॉडी देखने को मिलेंगे आपको, एंडोकार्डियम में आपको वैल्व्स में स्मॉल वॉटी वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, और पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देन एक्स्ट्रा कार्डिक में क्या क्या था, अपने जॉइंट्स थे, तो जॉइंट्स में जो सिरे से फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस में आपको, यानी कि स्किन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, वो भी आप अगर उनकी हिस्टोलॉजी देखोगे तो वो भी सेम लाइक एस्चॉव बॉडी की तरह देखेंगे आपको, ठीक है। और ल्यूरल लीजन्स देखने को मिलेंगे, ब्रेन में अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कोरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।